आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान ने नागरिकता संशोधन बिल पास होने के विरोध में नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल रहमान महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग में बतौर यहां पर आईजीपी पोस्टेड थे। अब्दुल रहमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है कि नागरिकता संशोधन बिल संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं। मैंने भव्य यहां पर सविनय अवज्ञा में कल से ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया है। आखिरकार मैं अपनी सेवा से इस्तीफा दे रहा हूं। अब्दुल रहमान ने अपने ट्वीट के साथ एक इस्तीफा भी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने अपने वीआरएस की मांग की थी। इस इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि मैंने वीआरएस के लिए 1 अगस्त 2019 को आवेदन किया था। इसके बाद 25 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मेरे वीआरएस की सिफारिश भेजी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया। तो क्या आपके पूरे नागरिकता संशोधन जो बिल था इसके विरोध में आईपीएस ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वीआरएस का जिक्र पहले भी किया गया था, लेकिन पहले इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था।